शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बढ़ते बिजली और पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस की ओर से शहर के संविधान चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं, जिसके विरोध में शहर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को संविधान चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे और ग्रामीण अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र मुलक के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में किशोर गजबिये और कांग्रेस महासचिव राम किशन ओझा भी उपस्थित थे। मोदी सरकार ने पिछले कई महीनों में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। आज ये स्थिति है कि 21 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। मैं आज सवेरे डीजल और पेट्रोल के दाम देख के आया हूँ। 3 दिन पहले डीजल और पेट्रोल के दाम बराबर हो गए थे, ऐसा कभी नहीं हुआ, और एक समय डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो गए थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज डीजल 80 रुपये 20 पैसे लीटर है और पेट्रोल 87 रुपये 40 पैसे हैं। तो ये है 80 रुपये और 87 रुपये का, ये कांग्रेस के समय में जो रेट थे डीजल और पेट्रोल के, उससे बराबर दुगने रेट हो गए, दुगने। कांग्रेस के समय में 40 रुपये रेट था डीजल पेट्रोल का, आज 87 रुपये हो गया है। ये डीजल और पेट्रोल की बात हम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 रुपया प्रति बैरल, $40 प्रति बैरल ये रेट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $40 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम है। ऐसा होने के बावजूद भी आज भारत सरकार ने हमारे डीजल और पेट्रोल के रेट कम नहीं किए, उन्होंने बढ़ाए। कितना बढ़ाया ड्यूटी? 64% ड्यूटी बढ़ाई है इन्होंने। 64% आप ड्यूटी ले रहे हैं, उसके ऊपर आप टैक्स ले रहे हैं और आम जनता को लूट रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में कहा गया है और अन्य जो अपने न्यूज़पेपर उसमें ये कहा गया है कि मोदी सरकार अपने रेवेन्यू की भरपाई, अपने रेवेन्यू के जगह पर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर लोगों के जेब से पैसा निकाल रही है और अपनी पूंजी, अपना जो उनका ये है ट्रेजरी है, वो भर रही है। तो गोर गरीब जनता के जेब से पैसा निकालकर भारत सरकार की तिजोरी अगर आप भरना चाहते हो, ये गलत बात है, अन्याय है। खास तौर से हमारे जो किसान भाई है, उनके ट्रैक्टर डीजल पर चलते हैं। आप डीजल के रेट बढ़ाएंगे तो उसके उपज पर फर्क पड़ेगा, कहाँ से लाएगा पैसा? हमने ऑटो वाले से पूछा, ऑटो वाले ने कहा कोरोना की मार के चलते केवल 2 पैसेंजर ले जाने की हमको इजाज़त है, हम 2 पैसेंजर लेके जाते हैं और फिर वहाँ से खाली आते हैं क्योंकि कोरोना में ज़्यादा ग्राहक मिलते नहीं। ऐसे में हम लोग अगर 87 रुपये लीटर का पेट्रोल भरेंगे तो हम धंधा कैसे करेंगे? ऑटो वाला मार गया है, ट्रैक्टर वाला मार गया है, ट्रांसपोर्ट वाला मारा गया है, आम जनता मारी गई है, मोटरसाइकिल वाले बच्चे हमारे मोटरसाइकिल पर चलते, स्कूटी पर चलते, ये सब लोगों को परेशानी है। तो इतनी बड़ी महंगाई, आज 100 रुपये किलो टमाटर हो गया है, आप अनाज के दाम देखिए 60 रुपये किलो चावल हो गया है। तो ऐसी महंगाई की स्थिति में आज हमको ये मोदी सरकार का निषेध करना जरूरी है। हम ये सरकार से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और इनको बताते हैं, इनको हम इशारा कर रहे हैं कि आप जो है ये महंगाई कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, वरना हमारा आंदोलन चलता रहेगा। देखिए 3 महीने का बिल आया है इसलिए वो ज़्यादा लगता है, इलेक्ट्रिक मीटर के बिल ज़्यादा आए हैं, लोगों को तकलीफ तो हो रही है, लेकिन सरकार ने ये एक निर्णय किया है कि इसको हम उनको इंस्टॉलमेंट में पैसा भरने की इजाज़त दे रहे हैं, एक अच्छी बात है। देखिए इस हमने पेट्रोल और डीजल वार के विरुद्ध में सरकार से हमारी ये मांग है कि जिस तरह से वो पेट्रोल और डीजल में दरवाड़ कर रहे हैं, ये दरवाड़ जो है बहुत नाजायज़ है, गलत तरीके से की जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें अगर तो इनका कार्यकाल जब शुरू हुआ था केंद्र सरकार में, तब से लेकर अभी तक का कंटिन्यूएशन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे डीजल का, क्रूड ऑयल का रेट गिरता रहा है। जो रेट आज से 6 साल पहला था उससे आधे से कम वो रेट हो गया है। आज सुबह जब हमने पता किया, चेक किया, तो पेट्रोल पंप पे सुबह का रेट 87 रुपये रेट था। अब ये जिस तरह से कंटिन्यूएशन में रोज़ के रोज़ डीजल और पेट्रोल और गैस के रेट बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारी घरणियाँ परेशान हैं, हमारे जो मध्यमवर्गीय लोग हैं जो परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ हम महामारी से जूझ रहे हैं, पूरे विश्व स्तरीय महामारी हमारे देश में भी चल रही है, जिसमें लोगों के काम दाम छूट गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, उनकी पगारें कम हो गई 40-40, 50-50% और केंद्र सरकार इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। डीजल और पेट्रोल के रेट पर रेट बढ़ाई जा रही है, जिसका
मेन अटैक, मेन रोल जो होता है महंगाई के ऊपर रहता है। इससे कई तरह के नुकसान है, एक तो महंगाई बढ़ती है, लोगों के जेब से वजन पड़ता है, इसलिए हम इसकी इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश भर में, और हमें चाहते हैं कि दरों को कम करें। और जब क्रूड आपको सस्ता मिल रहा है कई जगह, तो ऐसा हो रहा है रशिया में पता चला है कि भाई उनके पास इतना क्रूड जमा हो गया है कि उनका रखने की जगह नहीं है, वो बोलते हैं फ्री में लेके जाओ, और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लग रहा है। इतना सब होने के बाद भी देश की जनता को लूटना है कहाँ तक ठीक है? ये ठीक नहीं है। देश परेशानी में है, तकलीफ में है, इस समय उनके कंधे पर हाथ रखने की ज़रूरत है। डीजल पेट्रोल गैस के रेट कम करने की ज़रूरत है, बाकी महंगाई कम करने की ज़रूरत है, लोगों को आर्थिक सहायता देने की ज़रूरत है, और ऐसे मौके पे आप इस तरह से लूटा लूट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इसलिए हमें आंदोलन कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं हुई तो इस देश में लोग घरों से निकलेंगे, क्योंकि आज परिस्थिति बुरी है। इनको ऐसा लग रहा है केंद्र सरकार को कि भी आज लॉकडाउन खुला है, ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, धारा 144 कई जगह लागू है, और कानूनन तरीके से लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इसलिए शायद आंदोलन का असर नहीं हो रहा है। लेकिन अंदर लोगों के दिलों में आग लगी हुई है, लोगों के जेबों में आग लगी हुई है, वो ठीक नहीं। हम कांग्रेस पार्टी उन जनता के साथ में है, जनता और कांग्रेस पार्टी मिलके इस आंदोलन को ज़ोर से करेंगे, क्योंकि आपने देखा है 2014-13 में 12 में स्मृति ईरानी जी लोग चूड़ियाँ भेज रही थी प्रधानमंत्री जी को, खुद मोदी जी तरह तरह के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये वादे भूलना नहीं तो क्या है? एक तरफ आप काम की बात करते हो, इधर जब आपके पास सत्ता आ गई है तो आप लोगों की जेब लूट रहे हो, और ऐसे समय जब देश मुसीबत में है, लोग मुसीबत में है, परेशान है, उनके पास अनाज के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, उनको घर से जाने के लिए पैसे नहीं है, बसें बंद है, ट्रेन बंद है, और वो 100-100 रुपये 80-90-90 रुपये का पेट्रोल भरा रहे। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें खुद अच्छा नहीं लगता विपक्ष में रह के कि हम विपक्ष की जवाबदारी निभा रहे हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष मिल के, हम सब मिल के मोदी जी की आँखें खोले, कान खोले, ताकि ये रेट दर वृद्धि कम करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।